किसी भी गेम में जाते वक्त ये बहुत स्वाभाविक है कि आपके ओपोनेंट्स कुछ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है वो आपकी तरफ घूरें, कुछ आपको कहें, कुछ शोर मचाएं, रेफरी से बार बार कंप्लेन करते रहें। जब वो पॉइंट जीते हैं तो किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गेम में बार बार ब्रेक भी ले सकते हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये डिस्ट्रैक्शन गेम का हिस्सा है, गेम से अलग नहीं है। इनको एक्सेप्ट करिए और इनको एक चैलेंज की तरह लीजिए जिसको आप इंजॉय करें और जिससे आप आगे बढ़ें। अगर आप इन डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स से गुस्सा हो जाते हैं और रिएक्ट कर देते हैं तो चांसेस हैं कि आप कोई ना कोई गलती कर देंगे और आपके ओपोनेंट का मकसद सक्सीड हो जाएगा, और ये हमें बिल्कुल नहीं करा है, हमें उन्हें जीतने नहीं देना है। तो क्या करें? सबसे पहले ये रिकग्नाइज करिए कि डिस्ट्रैक्शन क्या चीज़ है। डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसे फ्रस्ट्रेट होके, गुस्सा होके हमें वो इम्पॉर्टेंस नहीं देनी है। हमें वापस जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उन पे ध्यान देना है। तो इन डिस्ट्रैक्शन के दौरान काम रहिए, थोड़ी गहरी सांसें लीजिए और अपने आप को रिलैक्स करिए। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो गुस्सा आता है तो गुस्से को अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए यूज़ करिए। आप गुस्से से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, लेकिन इससे जल्दबाजी मत कर दीजिएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट मत डालिए जिससे कि हमारी गेम एक्चुअली डीरेल हो जाती है, हमारा फोकस लूज हो जाता है। तो स्टिक टू योर ओन गेम। हमें जो करना है, मेरी जो टेक्निक है, मेरा जो गोल है, मुझे उसी पे डटे रहना है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए सोचने के लिए, फोकस करने के लिए, उसी पे रहना है। और अगर हम अपने ओपोनेंट के डिस्ट्रैक्शन के थ्रू रिलैक्स रहे, काम रहे, पॉजिटिव रहे, स्माइल करें कि हम जानते हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्चुअली जीत हमारी होगी।